आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सम्मानित साथियों, आपको मेरा सादर जय भीम। आप सभी सम्मानित साथियों, आज हमने जो सेगमेंट बनाया है वो यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के तहत जो भी अत्याचार से पीड़ित हैं, पीड़ित यदि शिकायत नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या उनको कानूनी प्रावधान है, उसके बारे में हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि वे कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकें और न्याय पा सकें। आज का ये जो फेसबुक में आने का हमारा मकसद ये है कि जगह जगह ये शिकायत सुने जाने को मिलती है कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। कि सम्मानित साथियों, कुछ हमारे जो लोग हैं रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ जो पीड़ित लोग हैं वो अगर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके संबंध में उनको कानूनी बहुत सारे उपचार उनको मौजूद हैं और उस उपचार के तहत वो जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो बनाया गया है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उनसे लगे हुए विषयों का उपबंध करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। यह जो कानून है 1989 के नाम से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये आज की तारीख में संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें जो है अत्याचार से तात्पर्य धारा 3 के तहत जो दंडनीय अपराध है उस दंडनीय अपराध को जो है वो धारा 2 क में अत्याचार की परिभाषा बताई गई है। धारा 2 ख जो है वो 2 ख और ख उसमें आश्रित बताया गया कि आश्रित से मतलब कौन है। आश्रित मतलब जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार का पति है, पत्नी है, बालक है, पिता है, भाई है और बहन से उसका मतलब है। जो ऐसे पीड़ित पर अत्याचार और भरण पोषण के लिए पूरी तरह या जो है अंशतः या मुख्यतः आश्रित है। और धारा 2 ख ग यह परिभाषा जो है वो आर्थिक बहिष्कार की बताता है कि आर्थिक बहिष्कार से मतलब अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य करने से संबंधित जो संव्यवहार करना और कारोबार करने से उसका इनकार करना, अवसरों का जो इनकार करना या सेवाओं तक पहुंचने के लिए या उनसे प्रतिफल या सेवा प्रदान करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है मौका उसमें शामिल है। और ऐसी शर्तों पर कोई बात करने से इनकार करना जिस पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी, या ऐसे पेशे या कारोबार से संबंधित उससे दूर रहना जो कोई अन्य व्यक्ति को उसके लिए रखे जाए। धारा 2 ख घ यह प्रावधानित करती है कि जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, अर्थात अनन्य विशेष न्यायालय है। जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है उसका जो मतलब है वो धारा 14(1) के तहत अनन्य विशेष न्यायालय जो है उसको जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। कि धारा 2 ग जो है वो वन अधिकार के बारे में बताती है कि वन अधिकार का मतलब वही होगा जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1) में जो है प्रावधान किया गया है।
और हाथ से मेला उठाने वाला कर्मी को परिभाषित किया है इस एक्ट में, धारा 2 ख च में, जिसमें बताया गया है कि इसका मतलब यह है कि जो भी हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन अर्थात उनका जो नियोजन किया जाएगा, मतलब उनको काम पे लगाया जाएगा, उसका प्रतिबंध लगाया गया है। वो सामान्य साथियों, जो हाथ से मेला उठाने वाले जो कर्मी हैं उनका वही मतलब होगा कि हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों का जो नियोजन है, मतलब उनको किसी भी प्रकार से उनको काम पर लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2(1) 2(1) के खंड 6 है बना है। तो मतलब हाथ से मेला ढोने की जो प्रथा है उसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। आप इसी प्रकार से धारा 2 ख छ देखें कि लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत जो भी उसकी परिभाषा दी गई है लोक सेवक के बारे में, वो लोक सेवक का जो है परिभाषा दी गई है उसमें यह बताया गया है कि उस समय यदि कोई भी कानून के अधीन जो भी प्रावधान किया गया है, लोक सेवक ऐसा व्यक्ति है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन और उन उसकी पदी हैसियत में कोई कार्यरत व्यक्ति को लोक सेवक कहा गया है। अब आप प्रश्न करोगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से मतलब यह है कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो 366 उसके खंड 24 और खंड 25 में जो भी अर्थ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बताया गया है वही जो है वो SC ST की जो है परिभाषा का वही, मतलब SC ST का वही मतलब है। और धारा 2 घ जो है वो स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट धारा 14 में जो है बताई गई है कि कौन जो है स्पेशल कोर्ट होगी, और स्पेशल कोर्ट में जो है स्पेसिफिक जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब सेशन न्यायालय को इसमें मतलब बताया गया है। और धारा 2 अंग में जो है वो विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है कि धारा 2 अंग जो है विशेष लोक अभियोजक का मतलब ये होता है कि कोई भी लोक अभियोजक जो स्पेसिफिक रूप से धारा 15 के अंतर्गत काम करने वाला वकील उसको जो है अपॉइंट किया गया हो वो विशेष लोक अभियोजक की इसमें परिभाषा है। धारा 2 अंग और ख में यह बताया गया है कि सामाजिक बहिष्कार से क्या मतलब है। सामाजिक बहिष्कार से मतलब कोई भी रूढ़िगत सेवा, मतलब कोई हम परंपरागत काम कर रहे हैं या अन्य व्यक्ति को देने के लिए, मतलब हम कोई परंपरागत काम कर रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति को देने के लिए और उससे प्राप्त करने के लिए, या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रवीरत यानी दूर रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को परमिट करने से इनकार करना उसका मतलब है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक परंपरागत तरीके से कोई काम कर रहा है और वो दूसरे व्यक्ति को भी वो सेवाएं दे रहा है, और वो उसे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों को दूर रखने के लिए, जैसे क्या है कि वो कहे देखो बोले मैं आपको यह मेरी जो सेवा है वो तब दूंगा जब जो है आप जो है उससे दूर रहें। तो ये सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा दी गई कि किसी भी रूढ़िगत सेवा जो किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए या सामाजिक संबंधों से प्रवीरत रहने के लिए या दूर रहने के लिए जो अन्य व्यक्तियों से बनाए रखे जाए, अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना। इनकार करना मतलब उसको चाहे सीधे या जो है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से उसको काम देने से मना करना और उसका बहिष्कार करना, चाहे वो उसके जो जो है वो जैसे जो कोई परंपरागत रूप से जो कोई काम कर रहा है तो वो कहे कि देखो भाई मैं ये सेवा आपको तभी दे पाऊंगा जब आप उसका बहिष्कार कर दो, तो वो इस प्रकार से उसको काम करने से मना करने के लिए या कोई परंपरागत काम देने से उसको मना करने के लिए अगर कोई उसका बहिष्कार कर रहा है, तो ये सामाजिक बहिष्कार की मैंने आपको परिभाषा बताई धारा 2 अंग ख में। और धारा 2 अंग सी भी बताई है, मतलब अंग का मतलब ये होता है कि धारा
ईसी अंग का मतलब ई, धारा ई, तो धारा दो ई सी, धारा दो ई सी में जो है वो पीड़ित की परिभाषा दी गई है कि पीड़ित से मतलब आपका क्या है। तो पीड़ित से मतलब यह है कि धारा दो की उपधारा एक के खंड ग में, मतलब जो धारा एक दो है, धारा दो क्या है कि धारा दो में परिभाषा दी है उसका खंड एक क्या है, खंड एक के अंतर्गत जो ग है, तो ग जो है वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो धारा दो की उपधारा एक के खंड ग के अधीन अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के भीतर आता है, और जो अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या उनको धनी हानि या उसकी संपत्ति की हानि वहन करने, या धनी हानि, धन धनी हानि मतलब पैसे से संबंधित जो नुकसान है, या उसकी संपत्ति को नुकसान या वहन या अनुभव करता है, और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और विधिक वारिस भी हैं उसमें। मतलब पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन आता है कि एक तो वो आता है जिसमें उसके रिलेटिव्स हैं, दूसरा वो आता है जो उनके जो है कानूनी जो है उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके संरक्षक हैं, विधिक संरक्षक हैं, और विधिक वारिस भी उनके अंतर्गत आते हैं। तो ये पीड़ित से मतलब ये है कि कोई भी जो है SC ST को इस अधिनियम के तहत यानी इस कानून के अधीन अपराध होने के बाद शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या पैसे से संबंधित या संपत्ति से संबंधित जो भी नुकसान है उसको वहन करना और उसको अनुभव करना, उसको फील करना, और जिस किसी को भी ऐसा नुकसान हुआ है वो पीड़ित की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से धारा दो ई डी में जो है वो बताया है कि विटनेस यानी साक्षी कौन है। तो साक्षी का मतलब गवाह। तो गवाह जो इस कानून के तहत अपराध में शामिल किसी अपराध के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन, जांच यानी इंक्वायरी, विचार विचारण यानी ट्रायल के उद्देश्य के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इस कानून के तहत अपराध के में शामिल कोई जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, या ट्रायल के उद्देश्य के लिए, या उनके फैक्ट और जो उसकी तथ्य और परिस्थिति है, मतलब उसको घटना के बारे में जानकारी है, या वो जानकारी रखता है, या उसको इसका ज्ञान है, उसको नॉलेज है, तो ऐसे मामले में जो है वो जांच और विचारण और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो कोई बयान देता है, डॉक्यूमेंट पेश करता है, या डॉक्यूमेंट पेश करना उससे अगर उससे अपेक्षा की गई है, और इसमें जो है वो पीड़ित भी शामिल होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो है गवाह जो है वो पीड़ित व्यक्ति गवाह नहीं हो सकता, पीड़ित व्यक्ति भी गवाह हो सकता है। मतलब गवाह वो व्यक्ति जिसको ये चोट लगी हो, या उसको नुकसान हुआ हो, या उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक, या उसका पैसों से संबंधित या धन संपत्ति के रूप में उसका कोई नुकसान हुआ हो, तो उस दशा में भी जो है वो साक्षी, अन्य गवाह तो है ही है जो जो इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, या कोर्ट का जो ट्रायल चलता है उसके उनको जो है ये बताने के लिए कि उसको घटना की जानकारी है, और उस गवाह को जो है बयान देने के लिए या कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए उसे अपेक्षा की गई है, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति उसमें शामिल है। सामान्य साथियों, अगर हम लोग इस धारा के जो अन्य अपराध है, जो मुख्य जो बिंदु है जिसकी चर्चा सभी जगह होती है वो है धारा 3। धारा 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है, और ये जो धारा 3 है ये धारा है कि अनुसूचित जाति के अत्याचार अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है
उसके अपराधों के लिए इसमें दंड बताया गया कि आखिर कौन कौन से ऐसे अपराध हैं या जो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपराध घोषित किया गया है धारा 3 के अंतर्गत, और धारा 3 का एक पार्ट है और उसमें यह बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर SC ST का मेंबर नहीं है और यदि धारा क 3(1)(3)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 (1 का यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो SC ST का मेंबर नहीं है, यदि SC ST के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। अब यहाँ जो अखाद्य पदार्थ का मतलब जो है वो आप इसका मतलब समझें कि जो अखाद्य पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जिसको खाया ना जा सके, जो इंसान के लिए खाने के लायक ना हो और जिसको पीने के भी लायक ना हो। तो ऐसा पदार्थ को यदि खाने पीने या उसको पिलाने के लिए मजबूर करेगा, ये खाने के लिए मजबूर करेगा, तो यह जो है धारा 3(1)(क) के तहत दंडनीय अपराध है। और एक बात और बता दूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा में कौन लोग आते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि शेड्यूल कास्ट से मतलब वही मतलब है जो कि संविधान के अनुच्छेद धारा 3 से अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में बताया गया। और इसमें आप देखें कि जिस व्यक्ति के पास में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा दिया गया हो और उस अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वही व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो माना जाएगा। और इसको प्रमाण पत्र को भी जो है वो माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, मतलब उस प्रमाण पत्र को भी जो है ओरिजिनल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और तभी जो है उस व्यक्ति को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है वो माना जाएगा। और इस संबंध में जो है संबंधित जिस व्यक्ति ने प्रमाण पत्र जारी किया है उस अधिकारी को भी आना पड़ सकता है या गवाही के तौर पर कोर्ट चाहे तो, या फिर जो है उनके जो है जो संबंधित रीडर हैं वो भी कोर्ट में आकर के अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाए तो वो भी जो है बयानों के लिए आ सकते हैं। दूसरा हम इसकी धारा 3(1)(ख) जो है वो देखें कि कोई भी SC ST के सदस्य नहीं है, यदि SC ST के किसी सदस्य के दखलकृत परिसर में या परिसरों के प्रवेश द्वार, मतलब ऐसा परिसर जिसमें आपके मालिकाना हक संबंधी जिसमें आपके पास में दस्तावेज हो, चाहे वो पट्टे पर लिए हो चाहे वो लीज पर लिए हो, या जिसमें आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है वो कानूनी जो है अधिकार है, ऐसे परिसर में या परिसर, दो चीज इसमें दी है इस धारा में, परिसर या फिर उसके प्रवेश द्वार पर। जरूरी नहीं कि वो आपकी जो मालिकाना हक वाली जगह है वहां पर ही ये काम करेगा, मतलब परिसर दखलकृत परिसर या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जो है आपके परिसर में जहां जहां आप रहते हो, जहां आपका पट्टा है, जिस अधिकारी ने आपको लीज पर दिया गया है वो पट्टा अगर या लीजाधिकार है आपको तो लीज राइट्स भी हैं, तो उन अधिकारों को अगर आप देखें तो उन अधिकारों को अगर आप धारित करते हैं तो वहां पर पे आपको इस धारा यानी 3(1)(ख) में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप SC ST के हैं और जो फरियाद जो अपराधी है वो जो है वो नॉन SC ST का है। और यदि आपके जो परिसर में आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपका जगह है जिसमें आपको दखलकृत जो है अधिकार है उस परिसर में या उसके प्रवेश द्वार पर, जरूरी नहीं है कि आपको आपके परिसर के अंदर मान लो मलमूत्र या कोई जानवर या जानवर का शव या कोई ऐसा घृणाजनक पदार्थ जो है इकट्ठा कर दे, तो वो जरूरी नहीं कि आपके जो परिसर में फेंके, वो परिसर के बाहर भी यानी प्रवेश द्वार पर भी जो है उसको जो है वो डाल सकता है। तो ये एक कानूनन अपराध है। अब यहाँ जो है हमको
क्या क्या जो है हमारे लिए एक आवश्यक तत्व, प्रमुख आवश्यक तत्व मैंने आपको पहले ही बता दिया है,